पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 750 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 750 सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए यूसीसी लाने के लिए हमें 700 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाय 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 700 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके दिया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400 प्लस सीट चाहिए। आज झारखंड में एक मंत्री का सचिव का निवास में 36 करोड़ मिला है, एक राज्यसभा सांसद का निवास में 300 करोड़ से ऊपर कैश मिला है। मतलब और तो बहुत कुछ जमा है और तो बहुत कुछ निकालना है। ईडी और सीबीआई को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत और मजबूत बनाने के लिए हमें 750 से ऊपर सीट चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है, हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है।